बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7 का ओवरव्यू आपको दिया था कि हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स देखेंगे कि ये क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, और इनकी क्या क्या वर्किंग होती है, और ये किस तरह परफॉर्म करते हैं उन वर्किंग्स को। और ये सब जानने के बाद हम दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एज एन एग्जांपल, इसकी डिटेल्स देखेंगे। तो दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाई वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन्स को ऑन करते हैं, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपका कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन होम स्क्रीन पर आने से पहले कुछ वक्त लेता है, यानी लोडिंग कर रहा होता है इस तरह से। तो दरअसल यहाँ ये लोडिंग होने का मकसद होता है कि आपकी डिवाइस एक सॉफ्टवेयर को, एक प्रोग्राम को स्टार्ट करती है बैकग्राउंड में, और वो सॉफ्टवेयर कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जब आप अपने कंप्यूटर या किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड में ये सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट हो जाता है, और तब तक चलता रहता है जब तक आप अपनी डिवाइस को बंद नहीं कर देते। इन शॉर्ट, किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कि लैपटॉप्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स वगैरह इस सॉफ्टवेयर के बगैर चल ही नहीं सकते, और ये सॉफ्टवेयर कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो आप जान गए कि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आखिर जरूरत क्यों पेश आई। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताती चलूं कि जब से कंप्यूटर इन्वेंट हुए हैं, इन शॉर्ट कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था इन स्टार, जबकि अभी आप जो भी कंप्यूटर देखते हैं उनमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आएगा, जैसे कि विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स वगैरह। तो ऐसा क्या हुआ कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर असेंबली लैंग्वेज को समझता है, और जो भी कोड असेंबली लैंग्वेज में होगा वही कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज सिर्फ उन्हीं को ही आती थी जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था। अब आम लोग कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करें जिनको असेंबली लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर यानी सीपीयू को कमांड नहीं दे सकता और सीपीयू डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए जरूरत पड़ी एक मिडिल मैन की, जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाए। जिस तरह अक्सर बाहर की कंट्रीज से जो लोग आते हैं तो अपने साथ ट्रांसलेटर्स भी लाते हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज में तब्दील करता है और उनकी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में। इन शॉर्ट, उस ट्रांसलेटर के जरिए दो कंट्रीज के लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल को आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी दरअसल एक ट्रांसलेटर होता है, जो कि यूजर यानी आपकी कमांड्स को सीपीयू की लैंग्वेज में यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और सीपीयू की लैंग्वेज को यूजर की लैंग्वेज में। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप टाइप करते हैं 2+3, जो कि यूजर की लैंग्वेज है, और कंप्यूटर झट से आपको इसका आंसर दिखा देता है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि जब आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती और कंप्यूटर को आपकी, फिर भी कंप्यूटर आपकी दी गई कमांड्स को ना सिर्फ समझता है बल्कि उसका आंसर भी आपकी ही लैंग्वेज में देता है। तो यकीनन बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि यूजर और कंप्यूटर को इंटरैक्ट करवा रही है, और वो चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गई नीड, और इसी नीड से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी मिल गई। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये इंटरफेस फराहम करता है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है यूजर यानी आपको और कंप्यूटर सिस्टम को, कि आप दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे से अपने मतलूबा काम करवा सके। और फ्रेंड, ये इस तस्वीर में देखिए, ये है यूजर जो के हैं आप, मैं और हम सब। अब हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे के माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी वगैरह के जरिए अपनी कमांड्स को कंप्यूटर को देना है। तो यहाँ हम डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी एक मिडिल मैन की, विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों, अब आपको
बातें समझ आ रही हैं तो मजीद एक और मालूमात आपको देती हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ हार्डवेयर को यूजर से इंटरैक्ट नहीं करवाता, बल्कि आपके कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं, जैसे आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, स्प्रेडशीट बना रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मतलब की वीडियोस देख रहे हैं, तो ये तमाम काम आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहे होंगे। जैसे VLC एक सॉफ्टवेयर है सॉन्ग्स को सुनने के लिए, गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है सर्चिंग और डाउनलोडिंग करने के लिए। इसी तरह जितने भी काम आप कंप्यूटर में करते हैं उनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन तमाम सॉफ्टवेयर की वर्किंग को भी मैनेज करता है। तो डिफरेंस आइए जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या है। तो इसका जो पहला पर्पस है वो है इट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क स्पेस एंड एक्सेट्रा। तो डिफरेंस इस पॉइंट से हमें ये पता चला कि आपके कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, नंबर वन इज हार्डवेयर जैसे कि माउस, CPU, मेमोरी वगैरह, और नंबर टू इज सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, हार्डवेयर को भी और कंप्यूटर में मौजूद तमाम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को भी। फॉर एग्जांपल आपने 3-4 कमांड्स इनपुट दी हैं कीबोर्ड के जरिए तो उसको भी मैनेज करेगा, देन उन कमांड्स को मेमोरी में स्पेस फराहम करेगा, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है, देन मेमोरी से उन कमांड्स को CPU को देगा, और आखिर में CPU जब उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देगा तो उनका रिजल्ट भी आपके मॉनिटर को देगा। इससे हमें ये पता लगा कि इनपुट से लेकर आउटपुट तक जितना भी काम आपके कंप्यूटर में हो रहा होगा वो सब का सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करवाता है। और इसका जो सेकेंड पर्पस है वो है इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल कंसिस्टेंट वे फॉर एप्लीकेशंस टू डील विद द हार्डवेयर विदाउट हैविंग टू नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर। दोस्तों इस पॉइंट में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कंसिस्टेंट वे फॉर एप्लीकेशन। तो यहाँ दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्टेंसी फराहम करता है हार्डवेयर से डील करने की। और ये कंसिस्टेंसी क्या है, मींस इस तरह का प्रोग्राम लिखना जो कि सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए ना हो बल्कि अलग अलग कंप्यूटर पर भी रन हो सके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह की कंसिस्टेंसी फराहम करता है कि आपको हर एक हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं रखनी होती कि अगर मेरा CPU 4 GHz का है, मेरी मेमोरी 2 GB की है तो क्या ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मैं कर सकता हूँ। नहीं, आप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें, उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इन सब चीजों से निपट लेगा। और इसके साथ साथ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग वेंडर्स की मशीन पर भी रन हो सकता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप HP के भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, डेल के भी और इंटेल वगैरह के भी कंप्यूटर में, विच मीन्स के अलग अलग हार्डवेयर मशीन्स पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या होता है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें जो पहला फंक्शन है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। दोस्तों यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला फंक्शन होता है मेमोरी मैनेजमेंट। और मेमोरी मैनेजमेंट आप पहले भी जान चुके हैं, मैं आपको चैप्टर 5 में भी बता चुकी हूँ कि जो भी काम आप CPU से करवाना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम से करवाना चाहते हैं, जो भी कमांड्स आप CPU को देते हैं वो सबसे पहले मेमोरी में, मेन मेमोरी में महफूज की जाती हैं। और ये काम किसका होता है, मेन मेमोरी में किसी भी कमांड को, किसी भी ऑपरेशन को जगह फराहम करने का, ये काम होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम होता है तमाम ऑपरेशंस को, तमाम कामों को मेमोरी के अंदर जगह फराहम करना, यानी जहां जहां उसे स्पेसेस खाली नजर आती हैं किस तरह इन उन स्पेसेस के अंदर तमाम कमांड्स को रखना है, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। साथ के साथ जो तमाम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, यानी अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 प्रोसेसेस हैं जिनको मेमोरी एलोकेट की है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब इनमें से 2 प्रोसेसेस CPU के पास जा चुके हैं, तो अब उन प्रोसेसेस को जो कि एग्जीक्यूट हो चुके हैं उनको मेमोरी से निकालने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इस तरीके से ये तमाम प्रोसीजर कहलाता है मेमोरी मैनेजमेंट जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। इसके बाद जो इसका दूसरी फंक्शनैलिटी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फराहम करता है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। दोस्तों ये प्रोसेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी आप ये समझने कि जो भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं वो कंप्यूटर प्रोसेसेस की शक्ल में परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल म्यूजिक सुनना एक प्रोसेस है कंप्यूटर के लिए, इस तरीके से आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो ये भी एक प्रोसेस है, अगर आप वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो ये भी एक प्रोसेस है। इस तरह जितने भी काम आपके कंप्यूटर में हो रहे होते हैं वो प्रोसेसेस के फॉर्म में ही होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तमाम प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। फॉर एग्जांपल ये तीन प्रोसेसेस हैं P1 P2 और P3, और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें मेमोरी में लोड करवाएगा, फिर सीपीयू को बताएगा कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस रन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो आपने सबसे पहले आपने ऑन किया कंप्यूटर के अंदर कोई VLC प्लेयर और उसके थ्रू आप म्यूजिक सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को एलोकेट करेगा मेमोरी और फिर उसको दे देगा सीपीयू को। इस तरह ये सीपीयू को बताएगा कि आपको सबसे पहले कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, यानी कौन से प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू मिलेगा, यानी ये प्रायोरिटी सेट करेगा। और अगर किसी टास्क की रिक्वेस्ट आ जाएगी, यानी कोई इंस्टेंट रिक्वेस्ट आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल P1 तो चल रहा था लेकिन अचानक से P3 की रिक्वेस्ट आ गई, तो अब सीपीयू को कौन बताएगा कि आपको फौरन सीपीयू जो है वो P3 को देना है, यानी अब P3 को एग्जीक्यूट करवाना है, ये सीपीयू को नहीं पता होगा। ये कौन बताएगा? ये भी बताएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को भी मैनेज कर रहा होता है और कंप्यूटर में जितने प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनको भी मैनेज कर रहा होता है कि कौन सा प्रोसेस पहले सीपीयू के पास जाएगा, कौन सा प्रोसेस बाद में जाएगा। अब आपने देखा कि अब P3 जो है वो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है इस प्रोसेस को, तो जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके बाद ये P2 को नहीं डालेगा, बल्कि क्योंकि P1 रिज्यूम हुआ था, रुका हुआ था, तो दोबारा से इसको कंटिन्यू कर देगा, दोबारा से इसको सीपीयू एलोकेट कर देगा। तो डेयरफिर इस तरीके से प्रोसेसेस को किस वे में सीपीयू को देना है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। तो ये दो मेन फंक्शनलिटीज आपको कौन देता है, कंप्यूटर को कौन देता है? ये देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का मेन मकसद ही ये था कि ये आपके सीपीयू को कुछ हेल्प कर सके, रिलीफ दे सके, क्योंकि हमारा सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है और कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं वो तमाम काम सीपीयू ही करता है। जैसे कि आपको कुछ ग्राफिक्स परफॉर्म करवानी है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, वर्ड डॉक्यूमेंट पर कोई काम करना है, तो वो तमाम काम तो आपका सीपीयू करता है, लेकिन उसमें कौन सा प्रोसेस पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, जो दूसरे छोटे छोटे काम होते हैं वो आपका सीपीयू परफॉर्म करवा लेता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसके बाद जो ये तीसरी फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाता है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है, जैसे माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आप कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं, उस कीबोर्ड से टाइप किया गया इनपुट को कैसे डिस्प्ले करवाना है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, जिसे IO मैनेजमेंट भी कहा जाता है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड इनपुट दे रहा है तो उसको भी मैनेज करना, माउस कुछ इनपुट दे रहा है उसको मैनेज करना, प्रिंटर से प्रिंट करवाना, जो भी ये तमाम काम हो रहे होते हैं उन तमाम काम को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जितने काम हो रहे होते हैं उन तमाम कामों को भी मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। दूसरों मेमोरी, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डाटा महफूज होता है, जो कि फाइल्स और फोल्डर्स की शक्ल में महफूज किया जाता है ताकि यूजर्स आसानी से फाइल्स की शक्ल में डाटा को मैनेज कर सके, उन फाइल्स को क्रिएट करना, एडिट करना, डिलीट करना, इन चीजों को फाइल मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि कौन मैनेज करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स होती हैं, कोई इमेजेस की फाइल होती हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट की .txt से फाइल होती है, इन तमाम अलग अलग फाइल्स को मैनेज करने का काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों जैसे कि आप जान भी चुके हैं कि कंप्यूटर में इन तमाम चीजों के अलावा भी, जैसे कि फाइल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी मैनेजमेंट के अलावा भी कई और प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और दूसरे प्रोग्राम्स, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह। तो इन तमाम प्रोग्राम्स को भी मैनेज करने का काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है।
और इन तमाम चीजों को यानी असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर को हम आपके लेक्चर नंबर 24, आप मतलब की स्लाइड्स पे जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको लेक्चर नंबर 24 में इन तमाम कंपाइलर्स की, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। और इन तमाम चीजों को कौन मैनेज कर रहा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जो इसकी अगली फंक्शनलिटी है वो है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे इंटरैक्ट करवाना है, इंटरनेट चलाना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाना। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को भी हम लेक्चर नंबर 2 में हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके अलावा कंप्यूटर को वायरसेस और अनऑथराइज्ड यूजर से बचाना भी, ये तमाम काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इसके अलावा यूजर मैनेजमेंट, यूजर यानी आप जो कि कंप्यूटर में एज एन एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं, और एक एडमिन ही सिर्फ कंप्यूटर्स में फाइल को ऐड और डिलीट कर सकता है। इसके अलावा एक एडमिन गेस्ट यूजर्स भी बन सकता है, तो यूजर की एक्टिविटीज को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि आया आप गेस्ट यूजर तो नहीं है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि तमाम जो राइट्स होते हैं आपकी फाइल्स को ऐड करने के, डिलीट करने के, वो गेस्ट यूजर के पास नहीं होते बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं। और अगर कोई गेस्ट यूजर इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी कोई फाइल क्रिएट करना चाहता है, किसी फाइल को मॉडिफाई करना चाहता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको रोक देता है कि ये आपका काम नहीं है, क्योंकि आप इस कंप्यूटर के अंदर एज अ गेस्ट एंटर हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तमाम फंक्शनलिटीज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम फराहम करता है। और भी बहुत सारे काम है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिटेल्स देखेंगे और ये देखेंगे कि यूजर इंटरफेस क्या होता है और यूजर इंटरफेस की टाइप्स, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की को डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।